तो अब सवाल यह है कि अगर किसान कानून वापस लेने, कानून रद्द करने से कम पर किसी बात पर नहीं मान रहे, तो फिर कृषि मंत्री भी लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं, बाकी केंद्रीय मंत्रियों ने भी बात की, खुद प्रधानमंत्री ने की, लेकिन किसान नहीं समझ पा रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर लगातार ये भरोसा दे रहे हैं कि कृषि कानून उनके हक में है, लेकिन प्रदर्शनकारी अभी तक इस बात को नहीं मान रहे। स्वामीनाथन साहब भी बोलते रहे, नेशनल फार्मर कमीशन भी बोलता रहा, प्लानिंग कमीशन भी बोलता रहा, नीति आयोग भी बोलता रहा, लेकिन पुरानी सरकार नहीं कर रही। मनमोहन सिंह साहब ने भी कई बार आग्रह किया लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन आज ये हो गया है तो इसके बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा। गृह मंत्री जी बोल रहे हैं भी हमारा तो इज्जत का सवाल है कानूनों को लिए, तो फिर मीटिंग का आगे सवाल कैसे पैदा होगा जब उन्होंने पहले रिजल्ट दे दिया। हाँ, स्वयं प्रधानमंत्री जी आगे आए, सभी यूनियन को बुलाए तो सब जाने के लिए तैयार हैं। उनको पता भी प्रधानमंत्री जी कृषि कानून वापस करने की क्षमता रखते हैं। अब जो जिन लोगों ने भय और भ्रम का भूत खड़ा किया है, ये वो साजिशी सियासी सिंडिकेट है जो पूरी तरह से जनता द्वारा नकार दिया गया है। मंडियां सुरक्षित हैं, खेत खलिहान सुरक्षित हैं, एमएसपी सुरक्षित है, और यही नहीं, मोदी जी के शासनकाल में रिकॉर्ड एमएसपी के जरिए भुगतान हुआ है, रबी के भी और खरीफ की भी फसलों का। तो अब सवाल यहाँ कंफ्यूजन का खड़ा कहाँ होता है। हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, पर जो जहेबंदी में जो सरकारी अफसर आते बैठने में, जो लीडर आते हैं, उनके पास इतनी पावर नहीं है। हमने पूरा समझा इसमें क्या है, जे मारे पूरा गलत है। हम जे मोदी को बताते हैं, मोदी जी आप खुद मीटिंग में आओ और इनको कानून को वापस ले जाओ।